नमस्कार, ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने आज कहा, जिन्होंने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है उन सभी मुस्लिमों का शुक्रिया करता हूँ। सब ए बारात पर मुस्लिमों ने घर से इबादत की और अपने जो जिम्मेदारी नागरिक होने का सबूत दिया है, यह संदेश दूर दूर तक जाएगा। आपकी जिम्मेदारी भरे रवैये से हम मजबूती से कोरोना से लड़ सकेंगे। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क के तमाम मुसलमानों को, जिन्होंने कि लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन पर अमल करते हुए और उलमा इकराम की अपीलों को मानते हुए शबरात के दिन कोई भी अपने घर से नहीं निकला और कोई भी मुसलमान कब्रिस्तान नहीं गया, बल्कि इतने अहम मौके पर भी सबने घरों ही में इबादतें की। और इसके लिए हम लोग तमाम मुसलमानों का दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और तमाम पूरी कम्युनिटी में इन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का जो सबूत दिया है, इसका पैगाम जाहिर सी बात है बहुत दूर तक जाएगा। और हुकूमत को और पूरे मुल्क को इस बीमारी से लड़ने में इसमें ज़रूर मदद मिली है और आगे मदद मिलती रहेगी। और सभी के इल्म में है कि आज जुमे का मुबारक दिन है और पिछले गुज़िश्ता दो जुमों की तरह इस जुमे को भी सब मुसलमान अपने घरों ही पर नमाज जुहर अदा करेंगे। और चूँकि आज बहुत से मुसलमानों ने 15 शाबान का रोज़ा रखा है और अफ्तार के वक्त हम सब लोग मिल के इंशाअल्लाह दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस जैसी बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दें। जिन मुसलमानों ने आज रोज़ा रखा है वो सब घर से ही कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करें। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।